हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं सिम कार्ड लॉक के बारे में, जैसे कि हम इस सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग पर जाना है तो क्लिक कर लेंगे, और सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पे जाना है, प्राइवेसी सिक्योरिटी पे, और यहाँ पे आपको सिस्टम स्टोरेज पे जाना है और आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है सिम कार्ड लॉक, तो इस पर आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से अपना सिम कार्ड लॉक ऑन करेंगे, यहाँ से जो भी आपका लॉक है उसको ओपन कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सिम में 86 चीज़ का लगा दिया है, कोड योर हैव 3 रिक्वायरमेंट, तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आपका लॉक लग जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंज सिम पिन, यानी कि आपके जो सिम पर पिन लगा हुआ है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। और बैक करेंगे, बैक करने के बाद आप देख सकते हैं सिक्योरिटी अपडेट, तो यहाँ से आप अपने सिक्योरिटी अपडेट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि आपका चेक का ऑप्शन आ जाता है, रेड कलर का ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक करके चेक कर मतलब स्टोरेज को अपडेट कर सकते हैं आप अपने। यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइंड माई डिवाइस है, तो फाइंड माई डिवाइस को आप ऑन कर सकते हैं। फाइंड माई डिवाइस से क्या होता है फ्रेंड, जैसे कि ऑन करने से आपका फ़ोन चोरी हो जाता है या फिर खो जाता है, तो आपका फ़ोन ट्रैक होने के लिए काम आता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए पीसी से रिलेटेड या फिर फ़ोन से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।